द वेरियस फैक्टर विच इफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन आर, नंबर वन इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नंबर टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, नंबर थ्री टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज, नंबर फोर प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, नंबर फाइव सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स एंड नंबर सिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन. दीज सिक्स फैक्टर मेनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन. ओके, आर यू गेटिंग दैट? सो दीज आर एक्चुअली सिक्स फैक्टर्स. सो वन बाय वन वी विल टेक इन टू अकाउंट. तो हम दोबारा समझ लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं. पहले नंबर पे आएगा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरे नंबर पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया और रेडिएशन. अब इसको हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. द रिएक्टेंट्स इन विच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लार्ज, जिनमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लार्ज होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, और जिसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है लो होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, जो आयनी रिएक्शंस है जनरली फास्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे ही आयनी कंपाउंड को हम डिजोल्व करते हैं इसमें आयनी कैरेक्टर लार्ज होगा तो आयन्स इमीडिएटली डिसोसिएट होते हैं और उसके बाद रिएक्शन फास्ट होता है. एग्जांपल कैसे आपके पास, अब देखिए, अब देखिए जैसे ही आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को और सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं इमीडिएट क्या होता है, इमीडिएट आपको वाइट लिक्विड मिलती है NaCl की. आर यू श्योर? लेकिन मान लीजिए इसके मुकाबले में अगर आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे लेंगे CuCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्या होगा, AgCl का जो वाइट PPT है वो स्लोली फॉर्म होगा. आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? जो NaCl है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जो CaCl है वो क्या है, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है. क्लियर आपकी बात? इसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो अल्फा है नियरली वन है, और जो वीक है उसमें अल्फा क्या है, लेस देन वन है. तो जो क्लोराइड, असल में रिएक्शन क्या है, क्लोराइड आयन का रिएक्शन है Ag+ के साथ, और यहाँ पर AgCl का वाइट PPT फॉर्म होता है. ये ओवरऑल रिएक्शन है. लेकिन क्लोराइड आयन की जो फॉर्मेशन है वो स्लो है CuCl में और बहुत फास्ट है इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में. तो जब आप पानी के अंदर CuCl को डिजोल्व करेंगे तो Cl नेगेटिव का जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, बहुत स्लो होगा, और NaCl वाले केस में क्या होगा, बहुत फास्ट होगा. और देखिए जैसे इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक स्लो प्रोसेस है, सॉरी एक फास्ट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है. और जो NO का ऑक्सीडेशन है NO2 में, वो एक फास्ट रिएक्शन है. अब है दोनों में ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन जो जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन में है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसका रीजन क्या है कि जो NO है वो क्या है, NO जो है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, और CO क्या है, ये आपका एक परफेक्ट मॉलिक्यूल है. तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है इट विल गिव बट मोर इन्हांसमेंट टू द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए दोनों में, दोनों मोनोऑक्साइड हैं और दोनों डाइऑक्साइड दे रहे हैं, लेकिन जो CO2 की फॉर्मेशन है वो स्लो है और जो NO2 की फॉर्मेशन है वो क्या है, यहाँ पर फास्ट है. आर यू गेटिंग दैट?
नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन, क्या है जनरली है कंसंट्रेशन, तो क्या होता है जनरली द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कि जैसे ये जनरल एक हमारे पास आइडिया है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। उसका कारण क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि जब कंसंट्रेशन हमारी लार्ज होती है तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो जितने ज़्यादा रिएक्टेड मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतना उनमें इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा। इफेक्टिव कोलिजन मतलब ऐसा कोलिजन जिससे हमें प्रोडक्ट मिले, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन। तो होता क्या है इनिशियली, शुरू शुरू में क्या होता है, शुरू शुरू के अंदर जो इनिशियल रेट है वो ज़्यादा होता है। कारण क्या होता है, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स का बहुत ज़्यादा होता है, जबकि लेटर स्टेज में, जब बाद में क्या होता है, लेटर स्टेज में क्या होता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होती है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन लो होती जाती है, कंसंट्रेशन बिकम स्मॉल। तो उससे क्या होगा, सो रेट ऑफ द रिएक्शन, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ऑल्सो बिकम स्लो, ऑल्सो बिकम व्हाट, ऑल्सो बिकम स्लो। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए शुरू शुरू में क्या होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में, जो मोस्ट ऑफ केसेस हैं उनमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में मान लीजिए फर्स्ट फाइव मिनट्स में मान लीजिए जो रेट है, मान लीजिए हमारे पास है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 × 10⁻²² मोल पर लीटर मान लीजिए पर मिनट, तो आफ्टर मान लीजिए 15 मिनट क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, रेट का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मान लीजिए 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे रेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पर 10⁻², है यहाँ पर 10⁻³ है। मान लीजिए क्या करेगा, आफ्टर 30 मिनट्स जो रेट है क्या हो गया, वो हो गया आपका मान लीजिए 6 × 10⁻⁴, 5। तो अब चेक करेंगे आप लोग तो रेट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि विद टाइम क्या होगा, विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, तो विद टाइम क्या होगा, अब चेक करें क्या होगा यहाँ पे, कि पहले 5 मिनट में मान लीजिए 5 मिनट में जो रेट है वो है 2 × 10⁻², आफ्टर 15 मिनट क्या है यहाँ पे, ये आंसर रेट आ गया, और आफ्टर 30 मिनट ये रेट आ गया। तो क्या है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप चेक करेंगे ये -2 है, ये -3 है, ये -5 है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। कारण क्या है, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कम हो रहा है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन कम हो रही है उसकी। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो हमारे पास मतलब क्या आ गया कि कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट है, विद क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट भी इंक्रीज करता है, और अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे
तो रेट भी डिक्रीज करता है जनरली. ओके, श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट आपको. हाँ, कुछ केसेस हैं जिन केस में क्या होता है, जिन केसेस में सेल्फ कैटालिसिस होती है, कि जो प्रोडक्ट है वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जैसा कि KMnO4 की ऑक्सीडेशन में होता है. KMnO4 की ऑक्सीडेशन में जो Mn2+ का बनना है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फर्दर इंक्रीज करवाता है. क्लियर नहीं क्लियर? तो ये छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. जनरली क्या है, टेम्परेचर का रोल बहुत इफेक्टिव होता है. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज होता है. कारण क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो हमेशा प्रोवाइड करता है एक्टिवेशन एनर्जी. ये अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि एक्टिव एनर्जी क्या होता है. तो जो टेम्परेचर है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, द सप्लाई ऑफ, जो हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा उससे क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड होगी. दूसरा, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है उससे क्या होगा, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो बढ़ जाएगी. तो उससे क्या होगा, उनका जो आपस में कोलिजन होगा वो मोर इफेक्टिव होगा और विद मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा. तो होता क्या है, विद द इंक्रीज इन व्हाट, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन एंड नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बोथ इंक्रीजेस, दोनों में इंक्रीज होगा. नंबर ऑफ कोलिजन में इंक्रीज होगा और उनके इफेक्टिवनेस में भी इंक्रीज होगा. ठीक है ना? जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर में इंक्रीज है वो क्या देगा आपको, इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी देगा. क्या देगा, इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी देगा. जो टेम्परेचर का इंक्रीज है वो हमें इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करता है. याद रखिए इस बात को. क्लियर? तो अब हमने समझना कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है. एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें बाहर से देनी पड़ती है. किसके लिए देनी पड़ती है, टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो थ्रेशर एनर्जी क्या होती है, थ्रेशर एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट. तो मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ एनर्जी ऑलरेडी होती है, मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ ऑलरेडी एनर्जी होती है. वो जिस भी टेम्परेचर पे होता है इट कैरी सम एनर्जी. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा, कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन एनर्जी जरूर होगा, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन एनर्जी जरूर होगा. जब क्या है वो किसी टेम्परेचर पे है, क्योंकि टी जब 0 केल्विन होगा तभी होगा उसका ट्रांसलेशन एनर्जी 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, अबव 0 केल्विन मॉलिक्यूल मस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ इंथैल्पी. तो वो इंथैल्पी क्या होगी, उसकी एवरेज एनर्जी. और वो एनर्जी बाकी जो है आपको बाहर से सप्लाई करवानी पड़ेगी, ताकि क्या हो, पुराने बॉन्ड टूट सके और नए बॉन्ड बन सके. उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी. इसको आप ऐसे समझिए, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं आप, कि मान लीजिए आपके पापा ने एक कार खरीदनी है, ही वॉन्ट टू परचेज ए कार. ठीक है ना? आपके पापा ने क्या करना है, एक कार खरीदनी है. तो अगर आपके पापा ने कार खरीदनी है तो क्या करेंगे, तो पापा कुछ ना कुछ पैसे अपने पास देंगे. उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट. कि मान लीजिए 7 लाख रुपए की कार है, आपके पापा ने 1 लाख रुपए दे दिए. बाकी क्या होगा, बाकी जो 6 लाख रुपए बचे हुए हैं वो बैंक आपको फाइनेंस करेगा. लेकिन ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा. कैसे, इन द फॉर्म ऑफ EMI. कि वो बैंक कुछ EMI दे देगा आपको, कि आप क्या करेंगे, आप उसमें थोड़ा सा ब्याज जोड़ देंगे और वो EMI बना देगा आपकी, कि आप इतने हर महीने दे रहे हैं. तो इसमें क्या हुआ, आपके पापा ने 7 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, लेकिन अपनी तरफ से सिर्फ 1 लाख रुपए दिया. तो बाकी पैसा कहाँ से दिया, बैंक ने दिया, फाइनेंस किया. तो वो बैंक ने, बैंक में फिर वो पैसा वापस करेंगे आपके पापा इन द फॉर्म ऑफ EMI.
तो रिएक्शन में के अंदर भी ऐसा ही होता है। मॉलिक्यूल को चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, किसको कन्वर्ट करने के लिए, रिएक्टेंट को मॉलिक्यूल बनने के लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनने के लिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाएगी। तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम है उसकी एवरेज एनर्जी, जिस भी वो टेम्परेचर पे, जिस भी स्टेट में है, जिस भी कंडीशन में है, तो इट हैज सम इनथैल्पी वैल्यूज एट दैट टेम्परेचर। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी एवरेज एनर्जी बोलेंगे एट दैट गिवन टेम्परेचर। और ये एनर्जी क्या है, जो बाहर से हमें देनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग दैट और नॉट? ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो बाहर से, फ्रॉम सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, टू कन्वर्ट व्हाट, टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। तो क्लियर आपको? तो याद रखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, दैट मस्ट बी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? दैट मस्ट बी पोसेस्ड बाय द, दैट मस्ट बी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। क्लियर आपको ये बात? अब ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो कुछ एनर्जी उसके पास है और जो एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। क्लियर? नहीं, अगर मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे है तो बाहर से एनर्जी कम देनी पड़ेगी। आपके बाबा 1 लाख की जगह 3 लाख दे दें तो बैंक को कम फाइनेंस करना पड़ेगा। वही बात यहां पर है। तो एक्टिव एनर्जी क्या हो गया, वो एनर्जी जो बाहर से देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? नहीं लिया आपको ये बात? ये हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में जाके आर्हीनियस कॉन्सेप्ट दोबारा से, लेकिन आप समझ लीजिए बात ध्यान से यहाँ पे एक बात, कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर आपको इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करवा रहा है। क्लियर? ये बात आपको समझनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको समझ लीजिए ध्यान से आप। क्लियर आपको ये बात? तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर सप्लाई व्हाट, सप्लाई एक्टिवेशन एनर्जी। अब याद रखिए इसको, रिएक्शन चाहे सो वेदर ए रिएक्शन इज, वेदर ए रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, इट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, टेम्परेचर जो है वो सप्लाई करवाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्शन का नेचर जैसा मर्जी हो, एक्सो हो या एंडोथर्मिक हो, क्लियर हो, क्या हो, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, वो आपको इनिशियल, ठीक है, उसको इनिशियल एक्टिविटी चाहिए चाहिए, इट रिक्वायर्स, उसको बाहर से हीट एनर्जी देनी ही पड़ेगी, इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। श्योर और नॉट? क्लियर आपको मेरी बात समझ आ गई? तो ये पॉइंट क्लियर है आपको? वेरी मच क्लियर। अब ये आपके सामने ग्राफ है, तो ये रिएक्टेंट है, आर है यहाँ पे रिएक्टेंट और पी है यहाँ पे प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, रिएक्टेंट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर ये जो स्टेट है जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, वो क्या है, वो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर आपको ये बात? तो ये जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कि ओल्ड बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली एंड न्यू बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म्ड कंप्लीटली।
ठीक है, तो ना पुराने बॉन्ड पूरी तरह से टूटे हैं, नए ना नए बॉन्ड पूरी तरह से बने हैं, वहां पर क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर? तो यहां पर है फॉरवर्ड रिएक्शन की, ईएएफ क्या है, ईएएफ है यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, और जो ई ए बैकवर्ड है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर आप इस रिएक्शन को पूरा से ध्यान से चेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जो डेल्टा एच है यहां पे वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिव एनर्जी बैकवर्ड। क्लियर? अब ई ए अगर फॉरवर्ड है, ठीक है, लेस देन ई ए बैकवर्ड जैसा कि यहां पर है, तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा, जैसा कि इस केस में है। तो इसका क्या हुआ, रिएक्शन नेचर क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्या है, एक्सोथर्मिक है, लेकिन उसको एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट है। इसको आप ऐसे समझिए, क्लियर नहीं क्लियर, कि आपके घर में मम्मी आपको खाना बनाती है गैस बर्नर पे, तो लाइटर से या मैच स्टिक से उनको इनिशियल क्या देना पड़ेगा, इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद बर्नर अपने आप चलता जाएगा, लेकिन शुरू शुरू में अपने आप नहीं चलेगा, आपको शुरू शुरू में क्या करना पड़ेगा, इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये सिंपल सा लॉजिक है, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। आर यू श्योर? वेरी मच श्योर। आप वापस चेक कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देखने का, पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम जब रेट कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट बनता है तो रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, तो जो ये है फॉरवर्ड का रिएक्शन और ये है बैकवर्ड का रिएक्शन। क्लियर आपको? तो चाहे रिएक्शन ने फॉरवर्ड जाना हो चाहे प्रोडक्ट से रिएक्टेड जाना हो, इन एवरी केस यू नीड व्हाट, सप्लाई ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी किस लिए होती है, ताकि पुराने बॉन्ड ब्रेक हो सके, ठीक है ना, पुराने इंटरेक्शन खत्म हो सके, ताकि नए तरह के इंटरेक्शन पैदा हो सके। आर यू ओके? तो ये हमने बनाया है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? श्योर? अब देखिए ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव होती है। कारण क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया डेल्टा एच के लिए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो आप चेक कर लीजिए फॉरवर्ड एनर्जी बैकवर्ड से ज़्यादा आ रही है, तो इस केस में क्या होगा, हम बोलेंगे ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जो बात आपको समझनी है वो क्या है, कि चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज मस्ट, और दूसरा क्या है, इट शुड बी सप्लाइड फ्रॉम क्या, आउटसाइड। ये हमेशा रिएक्शन मटेरियल से बाहर से आएगी, हाँ बाद में वो कंपनसेट हो जाएगी, लेकिन शुरू से देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि घर में आपको अगर गाड़ी लानी है तो पहले पैसा बैंक देगा, आप बाद में उस पैसे को चुकाएंगे, तो वही बात यहाँ पर है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इनिशियल क्या करना है, आपको यहाँ पर इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी जो है देनी पड़ेगी। आर यू ओके विद दैट? श्योर? दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब बात है कितना,
तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दैट रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल, बिकम्स टू टाइम्स विद ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, रेट और रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है विद ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्लियर आपको मेरी बात? आर यू श्योर अबाउट दैट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये R2 / R1 है, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू म्यू डेल्टा टी बाय 10। डेल्टा टी क्या होता है यहाँ पे, T2 - T1, ये 2 और 1। ठीक है, और म्यू क्या होता है, म्यू को हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कॉफिशियंट। मोस्ट ऑफ द केसेस जो कॉफिशियंट वैल्यू है 1.5 से लेके और 3.7 तक होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब 99% केसेस में डबल होता है, लेकिन कुछ केस में डबल से कम भी होता है, कुछ केस में डबल से ज़्यादा भी होता है, 3 गुना 4 गुना भी हो सकती है। क्लियर है? क्लियर आपको बात? श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट आपको समझना है। म्यू है यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशियंट। क्या है? टेम्परेचर कॉफिशियंट। इसको दोबारा से लिखते हैं हम लोग, ओके, दैट R1 इज इक्वल टू म्यू डेल्टा टी बाय 10। म्यू जो है जनरली 2 हो लेंगे हम, लेकिन जो म्यू की वैल्यू है 1.3 से लेके 3.7 तक, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस 2 होती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए R1 at 300 केल्विन इज 3 डिग्री सेल्सियस वो कितना है, एक्स मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स है, तो बोलेगा व्हाट इज R2 at 330 केल्विन। तो 330 पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा मान लीजिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे R2 / R1 इज इक्वल टू व्हेन म्यू इज इक्वल टू 2। तो म्यू के लिए 2 लगाइए। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी होगा T2 - T1। कितना हो गया यहाँ पे, T2 - T1, आंसर आ गया डेल्टा टी बाय 10। तो कितना आ गया यहाँ पे, 330 - 3, कितना आ गया 30। तो व्हाट इज डेल्टा टी बाय 10, आंसर आ गया 30 / 10 कम्स आउट टू बी 3। तो क्या आंसर आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। आर में कितना है, एक्स क्रॉस मटेरियल हुआ, कितना हो गया आर टू की वैल्यू, आंसर है 8x। कितना आ गया यहाँ पे, 8x mol/L/s ओके। क्लियरली आपको अंडरस्टूड? तो दिस इज वेरी सिंपल फैक्ट, यू हैव टू मेमोराइज दैट कि ये जो वैल्यू है कितनी है आपके पास, 8x mol/L/s। आर यू ओके विद द सिचुएशन? वेरी मच ओके विद द सिचुएशन। एक और चेक कीजिए, वो बोल रहे हैं म्यू की वैल्यू कितनी है, 2 है, और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है Y mol/L/s। तो बोलता है इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 305 केल्विन, फाइंड R2 ratio R1। ठीक है जी, तो क्या आंसर आ जाएगा, आप देखिए क्या हो जाएगा, R2 / R1 इज इक्वल टू म्यू
डेल्टा टी बाय टेन। अब डेल्टा टी ये लग गया यहाँ पे 305 माइनस 300 कितना आ गया 5। तो व्हाट इज डेल्टा टी बाय टेन, इट इज 5/10 मीन्स हाफ, सो इट इज 2^2। आर वन इज वाई, सो व्हाट इज आर टू, √2 टाइम्स वाई मोल पर लीटर पर सेकेंड। ईजी, दैट इज टू ईजी, श्योर। तो आप चेक करें कि म्यू की वैल्यू क्या गिवन है। तो जरूरी नहीं म्यू की वैल्यू 2 ही गिवन होगी, म्यू की वैल्यू 1.3 से लेके 3.7 तक कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्या होता है, 2 होगा। हम टेम्परेचर का रोल एक बार दोबारा से चेक करेंगे जब हम जाएंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल गो इनटू डिटेल ऑफ टेम्परेचर। क्लियर आपको ये बात, श्योर। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। कैटलिस्ट क्या है, ए कैटलिस्ट जनरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, एन अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कैटलिस्ट है, जो कैटलिस्ट है ओनली एप्लीकेबल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है उसको स्पॉन्टेनियस नहीं बनाएगा कभी भी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फास्ट करेगा, ये पॉइंट आप याद रखिए। जो कैटलिस्ट है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फास्ट कर देगा, सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, कैटलिस्ट सिर्फ जो रिएक्शन जो वो स्लो को फास्ट करेगा, बस इतना समझ लीजिए। कैटलिस्ट सिर्फ स्लो को फास्ट करेगा, ये नहीं कि जो रिएक्शन नहीं हो सकता उसको करवा देगा, ऐसा नहीं। जो रिएक्शन हो सकता है लेकिन स्लोली हो रहा है उसको फास्ट करवाएगा बस, जो हो नहीं सकता उसको करवा नहीं सकता, याद रखिए इस बात को। तो ये गलत फहमी मत रहिएगा आप ये पॉइंट को, इसलिए मैं बार बार इसको जोड़ दे रहा हूँ। ए कैटलिस्ट ओनली एप्लीकेबल, ये टर्म तभी एप्लीकेबल है जब रिएक्शन हो सकता है जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है तो वो ये रिएक्शन को कुछ नहीं करवाएगा। कैटलिस्ट 10 कैटलिस्ट डाल दीजिए, खैर वो कैटलिस्ट होंगे ही नहीं, क्लियर नहीं किया आपको। चाहे 10 सब्सटेंस डाल दीजिए, कोई कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा। एक बार डेल्टा जी पॉजिटिव हो गई तो जो मर्जी कैटलिस्ट डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आर यू श्योर अबाउट दैट, ठीक है बेटे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप चेक कर लीजिए। दो यहाँ पर देखिए, जो ये है कैटलाइज्ड रिएक्शन नहीं है, ये नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन है, और ये जो रेड वाला है ये क्या है, कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया, क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया, ठीक है। एक नया पाथ लेके, इसका क्या हुआ, मैकेनिज्म हैज बीन चेंज व्हेन ए कैटलिस्ट इज यूज। तो क्या करते हैं, कैटलिस्ट चेंज द पाथ, चेंज द पाथ। दूसरा क्या है, जो कैटलिस्ट है डज नॉट इफेक्ट डेल्टा एच, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम वैल्यूज, इक्विलिब्रियम कौन वैल्यूज। दूसरा क्या है, एक कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन बाय इक्वल अमाउंट। जो कैटलिस्ट है अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन को 50 किलो जूल कम कर रहा है तो चेक कर लीजिए बैकवर्ड को भी 50 किलो जूल कम करेगा इक्वल अमाउंट में। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो ये आपने चीजें याद रखनी है कैटलिस्ट के बारे में, इसको हम दोबारा से फिर से पढ़ेंगे।
कैटलिस्ट को हम दोबारा से पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, वहाँ पर डिटेल में जाएंगे। अभी यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसका, क्लियर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितना आपको यहाँ पर पढ़ाया गया उतना काफ़ी है इसके लिए। कैटलिस्ट की डिटेलिंग हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, नेक्स्ट चैप्टर वही है। तो एक कैटलिस्ट जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एंड अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सो इंक्रीजिज द रेट ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ओनली, ठीक है जी। और सेकेंड क्या है, जो कैटलिस्ट है वो एक्टिविटी को लो करता है, चेक कर लीजिए ये क्या करता है, लोअर एक्टिविटी एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, एक्टिविटी को लो करता है और इक्वल अमाउंट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड को दोनों को इक्वली करता है, ठीक है। ये जो है रिएक्शन का रास्ता चेंज करता है उसकी डेल्टा एच डेल्टा जी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू को चेंज नहीं करता, ठीक है ना, क्लियर आपको ये बात। और जो कैटलिस्ट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की एनर्जी को एक सेम अमाउंट से कम करता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन 100 किलो जूल कम करेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन को भी 100 किलो जूल कम करेगा, तो ओवरऑल कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। आर यू ओके विद दैट, आर यू श्योर, नाइस। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता हैं, आपने मैंने वो एग्जांपल लिए हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जैसे आयरन क्या है, आयरन होगा कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2। निकल क्या है, कैटलिस्ट है फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ, ठीक है, ऑयल टू घी। अगर आपने वेजिटेबल ऑयल को घी में बनाना है तो क्या होगा, निकल को कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। प्लेटिनम जो है वो ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस में काम आता है, जिसका काम क्या है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। आर यू श्योर अबाउट दैट, ये कुछ सिंपल सिंपल आंसर हैं जो आपको ऑलरेडी नोन है, श्योर। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय लोअरिंग द, मान लीजिए जैसे ये रिएक्शन है बहुत स्लो रिएक्शन हो जाए, लेकिन जब इसको आप आयरन डाल देंगे तो यही रिएक्शन क्या होगा, यही रिएक्शन टेंड्स टू अकर एट ए फास्ट स्पीड। तो आयरन स्पीड ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली क्या होता है, जो कैटलिस्ट की सरफेस है वो काम आती है फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट। ये जैसे मैंने आपको बोला है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है कैटलिस्ट। सो ये इस चैप्टर के लिए इतने काफ़ी है, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मेन पॉइंट आप याद रखिए, कैटलिस्ट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, श्योर। नेक्स्ट जो आपको बताया जा रहा है वो देखा जा रहा है रिगार्डिंग द सर्फेस एरिया। सर्फेस एरिया का मतलब क्या है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एबल टू कोलाइड विद ईच अदर, एंड व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर इट मींस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वुड इंक्रीज। तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिवली रिएक्ट करेगा। इसका एक सिंपल, दो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपने एक चीज़ चेक की होगी कि अगर आप ठंडे पानी से हाथ धोएं तो हाथ अच्छे नहीं धुलते, लेकिन गर्म पानी से हाथ धोएं या वार वाटर धोएं बड़े अच्छे धुलते हैं। रीज़न क्या होता है कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो उसका क्या हो गया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, ल्यूक वार वाटर से क्या होता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिवली सफाई करता है। सेम टू सेम क्या होता है, अगर आप HCl के अंदर जिंक की रॉड डाल देंगे, ठीक है, उसके मुकाबले में आप जिंक पाउडर डाल देंगे तो क्या होगा, जिंक पाउडर का रिएक्शन तेज़ी से होगा और जिंक रॉड का रिएक्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो होगा। ऐसे ही क्या होगा, एक बड़े से लकड़ी के गट्ठे को आग लगाने मुश्किल है, लेकिन अगर उसके छोटे छोटे चिप्स बना दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिक्स, तो वो छोटे छोटे जो चिप्स बनेंगे वुड के, उनमें अगर आप तिली भी फेंक देंगे जलती हुई माचिस की, तब भी आग पकड़ लेंगे वो। उसी तरह से आप एक पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और एक पेपर को फोल्ड कर दीजिए 5-6 बार, तो जो फोल्डेड पेपर है
उसको आग बहुत धीरे धीरे लगेगी, लेकिन जो चिप जो आपने बिट्स ऑफ पेपर कर दिए हैं, छोटे टुकड़े कर दिए हैं पेपर के, उसमें बहुत तेजी से आग लगेगी। कारण क्या होगा? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर, दैट्स वाई गैसेज में रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है देन लिक्विड्स, और लिक्विड्स में रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है देन सॉलिड। सब क्या है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का ही कमाल है ये, बिकॉज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम्स मोर एंड मोर, ठीक है, एज द फिजिकल स्टेट बिकम्स बट लेसर एंड लेसर। श्योर अबाउट दैट? नाइस। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है रिगार्डिंग द एक्सपोजर टू द रेडिएशन, ठीक है ना। तो क्या चेक करेंगे हम ये लोग यहाँ पे कि जो रेडिएशन है, जो क्या है यहाँ पर रेडिएशन है, उससे क्या होगा? रेडिएशन इज इंपॉर्टेंट इन ऑल केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे H2 और Cl2 है, दे रिएक्ट टू गिव यू 2HCl ओनली इन पैंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। लाइट की पैन में रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन हीटिंग करने भी नहीं होगा कि आप डायरेक्ट हीटिंग कर देंगे उसको, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्या होगा? मिथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ जो है विल गिव यू क्लोरोमिथेन ओनली इन पैंस ऑफ अ सनलाइट। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन पैंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू गिव यू ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन विदाउट रेडिएशन पॉसिबल नहीं होंगे। तो रेडिएशन इज नेसेसरी फॉर देम, रेडिएशन इज नेसेसरी फॉर देम। ओके, तो हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि जो फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं आपको फॉरवर्ड लेके जाते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं। तो वो हैं आपके पास द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, और उसके बाद सरफेस एरिया, और लास्ट में आएगा रेडिएशन। तो ये सारे फैक्टर्स आपके माइंड में अच्छे ढंग से समझना चाहिए ताकि हम इस चैप्टर को और आसानी से समझ सकें। आर यू ओके विद द सिचुएशन? देखिए अब हम क्लास 11th में पढ़ा हुआ अपना लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को चेक करेंगे। लॉ ऑफ इसको, लॉ ऑफ मास एक्शन को देखेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी टू गिव यू एक्स मोल ऑफ सी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ स्टोइकोमेट्री। अब आर्हेनियस ने इस लॉ को मॉडिफाई किया और उसका नाम रख दिया रेट लॉ। उसने क्या बोला? उसने इस लॉ को मॉडिफाई किया। मॉडिफिकेशन उन्होंने क्या है कि उसने देखा कि इसको स्टोइकोमेट्रिक लिखें या ना लिखें, ये सब कुछ हमें एक्सपेरिमेंटली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। तो आर्हेनियस ने मॉडिफाई करके हमें क्या दिया? लॉ ऑफ रेट, रेट या रेट। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है रेट लॉ। क्या है? रेट लॉ। रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ हमें बोलता है दैट ओनली दोज कंसंट्रेशन मस्ट बी रिपोर्टेड इन ए रेट एक्सप्रेशन ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड, कि जिस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ वही एक्सप्रेशन रखने चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ? विच कैन बी स्टेटेड ओनली व्हाट? एक्सपेरिमेंटली। अब ऐसा कहने के लिए क्या है? तो इसका नाम क्या हो गया? जो हमारे पास इक्वेशन होगा ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिव्स यू एक्स मोल ऑफ सी, उसमें रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया? जो अल्फा है मे बी इक्वल टू ए, और अल्फा क्या है? मे नॉट बी इक्वल टू ए। ऐसी क्या है? बीटा मे बी इक्वल टू बी एंड बीटा मे नॉट इक्वल टू बी। अब अल्फा और ए इक्वल हैं, बीटा और बी इक्वल हैं, ये कैसे बताएंगे?
बाय एक्सपेरिमेंटली ओनली, बाय एक्सपेरिमेंटली ओनली। क्लियर आपकी बात? तो हमने जो, मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है और जो रेट लॉ है ये सही है, इसको हमने छोड़ दिया। तो रेट लॉ के हिसाब से क्या होगा? रेट लॉ हमें बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है दैट ए कैन बी इक्वल टू अल्फा और बी कैन बी इक्वल टू बीटा। हो भी सकता है और नहीं भी सकता, ये हम एक्सपेरिमेंट भी लगाएंगे, ठीक है? तो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेट कैन बी इक्वल टू के ए पावर अल्फा बी पावर बीटा। अल्फा यहाँ पे क्या है? अल्फा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट बी। बीटा क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट बी। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो आंसर है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। समझ आ गया बेटे आप लोगों को ये बात? दोबारा समझिए, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो बोलता है आप सारी वैल्यूज को लिखिए, पावर बना दीजिए। जो रेट लॉ है वो बोलता है एक्सपेरिमेंटली पता लगाइए कि अल्फा ए के इक्वल है भी या नहीं है, बीटा बी के इक्वल है भी या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। क्लियर आपकी बात? लेकिन जैसा भी है वो लिखिए, अल्फा की जो भी वैल्यू रिपोर्ट कीजिए, बीटा की जो वैल्यू रिपोर्ट कीजिए। जरूरी नहीं वो हो सके तो ए के इक्वल है तो तब भी एक्सेप्टेबल है, और अगर ए के इक्वल नहीं है तब भी एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही जो बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू है वो बी के इक्वल है तब भी एक्सेप्टेबल है, और अगर बी के इक्वल नहीं है तब भी एक्सेप्टेबल है। तो एवरी ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इज एक्सेप्टेबल। क्लियर? इंक्लूडिंग नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो, जीरो ऑल्सो, फ्रैक्शन ऑल्सो, श्योर? तो ये हमारे पास क्या आ गया? रेट लॉ। क्या आ गया हमारे पास? रेट लॉ। रेट लॉ आर्हिनियस का दिया हुआ लॉ है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिए आप लोग। श्योर अबाउट दैट? क्लियर? इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो जीरो भी पॉसिबल है, फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है, वन टू थ्री या उससे भी ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमें निकालना है तो आंसर कैसे निकालना है? बाय एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट। श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी प्लस सी मोल ऑफ सी गिव्स यू एक्स मोल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रेट क्या पॉसिबल है? रेट पॉसिबल है ए पावर अल्फा बी पावर बीटा सी पावर गामा, वेयर अल्फा मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू ए, बीटा मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू बी, गामा मे नॉट और मे नॉट इक्वल टू सी। दैट इज पॉसिबल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड इट इज डिटरमाइंड व्हाट? एक्सपेरिमेंटली। क्लियर? ए के बिना रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन ए का ऑर्डर जीरो हो सकता है। बी के बिना रिएक्शन नहीं हो सकता, लेकिन बी का ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, जीरो हो सकता है। सी के बिना रिएक्शन नहीं हो सकता, लेकिन सी का ऑर्डर भी जीरो, वन टू या फ्रैक्शन हो सकता है। तो क्या होगा उसका एक्चुअल ऑर्डर, ये उसकी कंसेंट्रेशन को वेरी करके देखा जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द
पावर्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज ऑन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स. रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स. श्योर अबाउट दैट? क्लियर है? तो ये आपको पास में तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, के इक्वल टू ए पावर अल्फा पी पावर बीटा सी पावर गामा. तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जीरो भी पॉसिबल है, वन भी पॉसिबल है, टू भी पॉसिबल है, फ्रैक्शन भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है. आर यू ओके विद दैट? अब मान लीजिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर है रेट कांस्टेंट. क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट वैल्यू है. क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट की वैल्यू है. श्योर? क्लियर? तो अगर रेट की वैल्यू है यहाँ पे मान लीजिए के ए पावर अल्फा बी पावर बीटा सी पावर गामा, तो मान लीजिए ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन तीनों हमने क्या ले ली, वन मोल पर लीटर ले ली. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा तो ए की पावर अल्फा हो जाएगी, वन की पावर बीटा हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास, वन की पावर गामा. तो वन की पावर जो मर्जी हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट की वैल्यू आपके इक्वल हो जाएगी यहाँ पे किसके, सो रेट इक्वल टू के. तो के क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट. श्योर अबाउट दैट? तो इसका मतलब क्या हो गया, रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज rate of reaction when concentration of all the reactants taken unity. दोबारा समझ लीजिए क्या बोल रहे जा रहे हैं यहाँ पे, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन है कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स टेकन यूनिटी, मतलब वन मोल या वन एटमॉस्फेरिक ले लीजिए. आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है, ठीक है ना? श्योर अबाउट दैट? क्लियर? उसके बाद क्या होगा, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. ये सेकंड पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल प्रेशर. क्लियर आपको ये बात? वो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है या इनिशियल प्रेशर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती, उस पर डिपेंड नहीं करती. किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ओनली अपॉन व्हाट? टेम्परेचर. क्लियर है? उसके बाद क्या है यहां पे, यूनिट्स ऑफ के depends upon order of the reaction. जो units of k हैं वो depend इस पर करेंगी. दोबारा बोलना, units of what? Units of k
डिपेंड्स अपॉन व्हाट? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. डिपेंड्स अपॉन व्हाट? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. किसके इक्वल होंगे यहां पे? तो के की जो यूनिट है वो क्या होती है? वो होती है मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड. आप टाइम नोट्स कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सेकेंड लिख रहा हूँ यहाँ पे. यू कैन राइट और इन्वर्स, और यू कैन राइट मिनट इन्वर्स, और यू कैन राइट ईयर इन्वर्स, एनी टाइम. ये टाइम इन्वर्स होगा, ठीक है, क्लियर. यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है. n को आप 0, 1, 2, 3, 4 लिखते जाइए, नो प्रॉब्लम. इवन फ्रैक्शन लिख सकते हैं, फ्रैक्शन लिख दीजिए. एन कैन बी वर्ड, एन कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो. 1/2 लिख दीजिए, 1/3, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. या जैसा भी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो एक्सपेरिमेंट पे ही डिपेंड करेगा. श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर. जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0 आ गई. तो के की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स. क्लियर. अच्छा, अगर यही वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पे चेक करो, अगर गैस में हो गया तो होगा एटमॉस्फेरिक 1 - n सेकेंड इनवर्स. ओके, खैर गैसेस में ही ज़्यादातर कंसंट्रेशन में दे रखी होगी, लेकिन अगर गैस में दे रखी तो एटमॉस्फेरिक 1/n सेकेंड इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, मैं बता दूंगा आपको दोबारा से. तो के के लोग इसमें, तो एन के लिए यहाँ पे 0 है, तो पुट कीजिए मोल 1 - 0 सेकेंड इनवर्स. तो चेक कीजिए क्या आंसर आएगा. मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. चेक करो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स क्या है. ये रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट है. तो कोई आपसे पूछे किस केस में के का जो यूनिट है वो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा, तो आंसर क्या आएगा? जब ऑर्डर 0 होगा. जब ऑर्डर क्या होगा? 0 होगा. जब मान लीजिए ऑर्डर 1 होगा तो के का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स. तो ये 0 हो जाएगा. मोल लीटर इनवर्स 0 सेकेंड इनवर्स. तो आंसर क्या आएगा? सेकेंड इनवर्स. ठीक है, तो टाइम इनवर्स क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए. क्लियर. उसी तरह n की वैल्यू होगा 2 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स 1 - 2 सेकेंड इनवर्स. तो आंसर क्या आ गया? मोल लीटर इनवर्स 1. तो ये हो जाएगा लीटर मोल, उल्टा हो जाएगा ये. चेक कीजिए, इनवर्स हो जाएगा. शुरू बोर्ड है ऐसे ही क्या होगा. एन के वैल्यू अगर 1/3 है तो क्या आंसर आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स 1 - 1/3. तो आंसर क्या आएगा? मोल लीटर इनवर्स 2/3 सेकेंड इनवर्स. तो क्या लीटर 2/3 मोल, तो आप निकाल लेंगे इस तरह से. क्लियर आपको ये बात? आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर.